डियर पेरेंट्स, एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है बच्चों की मसाज करना, जो बच्चों के बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा बच्चों को इससे हेल्प मिलती है उनकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में। दोस्तों, मसाज हम ज्यादातर ऑयल से करते हैं और पेरेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन होता है, अक्सर हमारे पास सवाल आते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है, कौन सा ब्रांड बेस्ट है, कौन सा ब्रांड हमें यूज नहीं करना चाहिए और कौन सा ऑयल बच्चों के लिए हानिकारक है, हमें यूज नहीं करना है। दोस्तों, आज मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने आपको इसमें बताया है कि कौन सा ऑयल बेस्ट है, कौन सा सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है, किसको यूज नहीं करना है और ऑयल कब बच्चों को नहीं लगाना है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, ये चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, जो ऑयल हम यूज करते हैं अपने बेबीज के लिए, वो जनरली हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है मार्केट वाले ऑयल, जैसे कि जॉनसन्स का, हिमालय का, डाबर का। ये सब जो ऑयल आते हैं इजीली अवेलेबल है और हमें लगता है ये सबसे अच्छे हैं, हम जाते हैं परचेस करके ले आते हैं और हम यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सिंपल वेजिटेबल ऑयल, जैसे कि कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लावर ऑयल, इसके अलावा ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल, ये सब जो भी हमारे घरों में आसानी से अवेलेबल है वो। और जो तीसरे तरह का ऑयल है दोस्तों, वो बहुत ही खतरनाक सा ऑयल है। हम सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल या कोई भी घर में जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हमने लिया, उसमें तमाम से मसाले जैसे कि लहसुन, अजवाइन और कपूर और न जाने क्या क्या उसको मिला के गर्म करके बढ़िया सा एक रेसिपी बहुत फेमस है, लोग यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं, वो ऑयल हम यूज करते हैं अपने बच्चों में। तो ये तीसरे टाइप का है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इनमें बेस्ट कौन सा है। तो सबसे बेस्ट की जो कैटेगरी है वो सबसे पहली कैटेगरी है, उसमें जो हमारा रिकमेंडेशन है वो है सनफ्लावर ऑयल या सेफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर आप सबको पता है जैसे सूरजमुखी की कहते हैं, और सेफ्लावर जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में कुसुम का तेल कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा है, बहुत ही मुफीद है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है ना इसको कोई यूज करता है, बहुत ही कम। किसी को आपने रियली देखा होगा कि सूरजमुखी के तेल से बच्चे की मालिश कर रहा है, नहीं करता है। हमने भी पूछा लोगों से लेकिन जवाब में ना ही मिलता है। तो सबसे अच्छा अगर आपका नया नया बेबी है भी, तो आप कहीं से भी अच्छा सा प्योर क्वालिटी का सरसों का तेल या फिर कुसुम का तेल, जिसको इंग्लिश में सेफ्लावर ऑयल बोलते हैं, आप वो यूज करिए, ये बेस्ट है। फिर आता है अगर मान लीजिए नहीं मिल रहा है या प्योर नहीं मिल पा रहा है, तो सेकेंड नंबर पे जो कैटेगरी है वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल के गोले का तेल। ये बहुत अच्छा है बच्चे के लिए और ये सस्ता भी है, साथ में ये इजिली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगा आपको। और बस एक बुराई ये है कि ये गर्मियों में तो लिक्विड रहता है, बट ठंड आने पर ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, जम जाता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो फिर आप सनफ्लावर यूज करिए, वरना थोड़ा सा गर्म करके हम इसको यूज कर सकते हैं सर्दियों में भी। कोकोनट ऑयल के बाद आता है जो मिनरल्स ऑयल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि जॉनसन्स है, जैसे कि हिमालय है और जैसे कि डाबर के तेल है और ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब दोस्तों, मैं ज्यादा खुल के तो नहीं बोलूंगा, ये कंपनियां उस पर केस भी कर देंगी, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये जो ज्यादातर ब्रांड्स हैं ये यूज करते हैं मिनरल ऑयल, तो मैंने सबसे पहले नाम लिया था, उसमें भी मिनरल ऑयल है, उसके बाद वालों में भी ऑयल है। हालांकि ये दावा करते हैं कि इन्होंने नेचुरल ऑयल यूज किया है, बट दोस्तों जो भी आप मार्केट में ऑयल देख रहे हैं जो कि नॉन स्टिकी और ट्रांसपेरेंट है, वो मेरे दोस्तों वो मिनरल ऑयल है। और जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जितना ज्यादा नॉन स्टिकी है, उसमें उतनी ज्यादा परसेंटेज है मिनरल ऑयल की। मिनरल ऑयल का मतलब खनिज ऑयल, ये नेचुरल नहीं होता है, बल्कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उनके रिफाइन करके उनसे ये बनता है। तो मिनरल ऑयल से भी आप मसाज कर सकते हैं, वैसे तो ये प्रचलित बहुत ज्यादा है, लोग करते बहुत ज्यादा हैं, बट मेरा सुझाव आपको ये है कि आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए। इसमें एक और ब्रांड है डाबर के, दो ब्रांड आते हैं, एक तो आता है डाबर लाल तेल, एक आता है डाबर बेबी ऑयल। तो इसमें जो लाल वाला तेल है, डाबर लाल तेल नाम से जो आता है, इसमें कपूर उन्होंने डाल रखा है। तो ये जो एरोमा वाले जो ऑयल है जिसमें तीखी पंजन स्मेल होती है, इसको भी हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये जो तीखी स्मेल होती है बच्चों की जो नाजुक नाक है, नोज है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है, थोड़ी सी भी तेज और तीखी स्मेल उसमें जाती है तो बच्चों को इरिटेशन होता है, बच्चा रोता है, क्राई करता है। अक्सर पेरेंट्स लगा देते हैं कपूर वाला तेल पूरी बॉडी में,
बच्चों को इरिटेशन हो रहा है, चिल्ला रहा है, रोते हुए हमारे पास लेके आते हैं ओपीडी में कि बच्चा हमारा शाम से रोई जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। बच्चों को चेक करो तो कुछ नहीं निकलता है, बस एक तीखी स्मेल आ रही होती है। जब पूछो उनसे तो पता लगता है कि हाँ उन्होंने कोई कपूर वाला या इस तरह का कोई तीखी स्मेल वाला तेल बच्चों को लगा रखा है। तो दोस्तों अगर आपको डाबर का ही यूज करना है तो फिर आप डाबर का लाल तेल की जगह आप डाबर का बेबी ऑयल यूज करिए। और लास्ट में इन ऑयल को यूज करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा कि वो मिनरल ऑयल उसमें कितना है। हालांकि आपको मिलेगा कहीं नहीं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उसमें मिनरल ऑयल है। बस अपने दिमाग का यूज करिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो देखिए। फिर चौथे नंबर पे आता है ऑलिव ऑयल और घी। जो पुराने लोग हैं वो घी को बहुत अच्छा समझते हैं कि घी की मालिश हो रही मेरे बेटे को, घी की मालिश, अपने पोते को तो हम घी से मालिश करेंगे। अरे भाई घी खाने के लिए अच्छा है, ऑलिव ऑयल भी खाने के लिए अच्छा है। इनसे मालिश आप कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है मालिश करने से। लेकिन अगर आपने इसको लगा के छोड़ दिया, बच्चों को नहलाया नहीं आपने सपोज करिए, तो इसमें एक ओलिक एसिड नाम का एक फैटी एसिड होता है। ये ओलिक एसिड क्या करता है, जो नेचुरल जो एक बैरियर है बच्चे की जो हाइड्रेशन है, उसका बदन का पानी है, उसको उड़ने से रोकता है। ये ओलिक एसिड उस बैरियर को तोड़ता है, उस बैरियर को नष्ट करता है। तो अगर आपने इससे मालिश की, मालिश करके आपने तुरंत नहला दिया तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप नहीं नहलाते हैं, मानी लगा रहने देते हैं, एक दो दिन बाद नहलाते हैं लगाने के बाद, तो फिर बच्चे की जो नेचुरल बैरियर है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इसीलिए मैंने इसको मिनरल ऑयल के बाद रखा है। और पांचवें नंबर में दोस्तों आता है जो हमारा काढ़ा है, जिसे हमने बताया था रेसिपी जो प्रचलित है जिसमें कि तरह तरह के मसाले। दोस्तों मसाले खाने के लिए होते हैं, बॉडी पर लगाने के लिए नहीं। बेबी की जो स्किन है उसको आप बहुत ही नाजुक मान के चलिए, बहुत ही नाजुक स्किन होती है। और खासकर अगर प्रीटर्म बच्चा है जिसका अगर वजन 2.5 से कम है या पहले पैदा हो गया है, उसकी स्किन बहुत पतली होती है। इतनी नाजुक स्किन में आप दुनिया भर के मसाले और कपूर से मिला हुआ तेल, सरसों का तेल, वो आप अगर लगाएंगे बच्चे में तो उसको इतना इरिटेशन होगा कि बच्चा इरिटेट रहेगा, फीडिंग कम लेगा, बच्चा रोता रहेगा और आप भी परेशान रहेंगे कि मैं तो बहुत सेवा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मालिश कर रही हूँ बच्चे की, फिर भी बच्चा रो रहा है, पानी पी रहा है। दोस्तों ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, इन गलतियों से बच्चे को भी नुकसान होता है, हम भी परेशान रहते हैं। तो इन सब गलतियों को आप ना करें, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लेके आता रहूं। तो मेरी इस मेहनत को सफल करने के लिए आप इस वीडियो को, हमारी वीडियो को देखा करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर किया करिए, ताकि ये जो एक कोशिश की जा रही है समाज के लिए वो कोशिश कामयाब हो सके। तो आइए अब बात करते हैं कि ऑयल हमें कब कब नहीं लगाना है। तो जिन ऑयल को आपने कभी बच्चों को लगाया हो, उससे बच्चों को दाने निकल गए हो, रैशेस हो, उन ऑयल को नहीं लगाना है। भले वो सनफ्लावर ऑयल हो, कितना फायदेमंद ऑयल हो, लेकिन अगर उससे बच्चों को एलर्जी हो रही है तो हमें वो ऑयल यूज नहीं करना है। दूसरा, बच्चों को अगर पहले से कहीं रैश है बॉडी में या स्किन क्रैक हो गई है, जैसे किसी को बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसमें स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन क्रैक हो जाती है, या कहीं चोट लग गई और उसमें स्किन ब्रीच हो गई है, तो ऐसे केस में जब तक वो हील नहीं कर जाती है अच्छे से, आप बच्चे के ऑयल की मालिश ना करें। और फिर अगर गर्मी है या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि पसीना रुक ही नहीं रहा, तो उस केस में भी आप कोशिश करिए कि ऑयल से मसाज ना करें, या ऑयल से अगर मसाज करते भी हैं तो तुरंत उसको वाइप कर दें, पोंछ दें, बच्चे को नहला दें। क्योंकि अगर ऑयल लगा रहेगा तो ह्यूमिडिटी और गर्मी और साथ में ऑयल बच्चे को चिपचिप चिपचिप से, बच्चा परेशान होगा, बच्चा क्राई करता रहेगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, बच्चा परेशान रहेगा तो आप भी परेशान रहेंगे। और सबसे लास्ट में बात करता हूं मैं मस्टर्ड ऑयल, जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के अंदर है, सरसों का तेल। दोस्तों ये सरसों का तेल बहुत ही आसानी से हर घर में होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा सरसों का ऑयल यूज किया जाता है। तो सरसों का ऑयल के बारे में एक बात आप क्लियर कर लीजिए कि नहीं करना है, सरसों के ऑयल से मालिश नहीं करना है। क्योंकि ये सरसों का ऑयल आप थोड़ा सा सूंघ के देखिए, बिल्कुल तीखी स्मेल होती है सरसों की, और टेस्ट करके देखिए, इसीलिए इसका नाम ही कड़वा तेल है, कड़वा तेल बोलते हैं बहुत जगह। तो सरसों का जो तेल है दोस्तों, इसको आप अवॉइड करिए, इससे मालिश आपको नहीं करनी है। सरसों के तेल के अलावा बाकी जो मैंने ऑर्डर बताए हैं, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है सनफ्लावर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, यानी कि सूरजमुखी का तेल या फिर कुसुम का तेल। दूसरे नंबर पे आता है कोकोनट ऑयल। तीसरे नंबर पे आता है जो भी हमारे मार्केट के अवेलेबल ऑयल है वो। और चौथे नंबर पे आता है जैतून, यानी कि ऑलिव ऑयल या फिर घी की मालिश। तो दोस्तों होप करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा और इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई और डाउट है आपका, कोई और कंफ्यूजन है, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अभी कमेंट करिए।
और मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ, और जो भी आप टॉपिक पूछते हैं और वीडियो चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। दोस्तों अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल हिंदी चाय। थैंक यू।